उसके साथ मैंने रिश्ते को डंप कर दिया। मेरा दोस्त एक जॉवियल है। तुम्हारे नए परफ्यूम की मुझे विप आ रही है। अपने असाइनमेंट को मुझे स्कूल में हैंड इन करना है। तुम्हें डिसल्यूजन करने के लिए मुझे माफ़ करें। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह के कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है हफ। इसको आप एक नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और एक वर्ब के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी पर गुस्सा करना या फिर किसी बात के लिए किसी पर क्रोध करना या फिर क्रोधित हो जाना या फिर क्रोध में गुस्से में किसी को कुछ कह देना। ही लेफ्ट हाउस इन अ हफ, मतलब गुस्से में वो घर छोड़कर चला गया या फिर उसे किसी बात को लेकर गुस्सा आ गया था, तो उस क्रोध की वजह से वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया। अगला वर्ड है आउटस्मार्ट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है चालाकी से किसी को मात देना या फिर चालाकी से किसी के साथ चाल खेलना, उसका फ़ायदा उठाना। डोंट ट्राई टू आउटस्मार्ट मी, मतलब मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करो या फिर चालाकी खेल कर मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो। मॉडेस्ट एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि अपनी जो भी अचीवमेंट्स हैं या फिर अपनी जो भी योग्यताएं हैं जिनको आपने अचीव किया है, उनको प्राप्त किया है, उनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करना या फिर अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना। शी इज़ मॉडेस्ट अबाउट हर अचीवमेंट्स, मतलब अपनी अचीवमेंट्स के बारे में या फिर जो भी उसने उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं उन सारी अचीवमेंट्स के बारे में वो मॉडेस्ट है, मतलब ज़्यादा बातें नहीं करती है या फिर अपने मुँह से ही इन सारी चीज़ों को बखान नहीं करती है। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है काउंट ऑन। इसका मतलब होता है किसी पर या फिर किसी चीज़ पर निर्भर होना या फिर उसी पर विश्वास करना, उसी पर भरोसा करना। कैन आई काउंट ऑन यू टू कुक फूड फॉर माई पेरेंट्स वाइल आई एम आउट, मतलब जब मैं बाहर होऊंगा या फिर शहर से कहीं बाहर जाऊंगा तो उस टाइम पर क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ अपने माता पिता के लिए खाना बनाने के लिए, या फिर अपने माता पिता के लिए खाना बनाने के लिए क्या मैं तुम पर निर्भर रह सकता हूँ जब मैं बाहर होऊंगा तो। डिसल्यूजन एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी का भरोसे को तोड़ देना या फिर उसके विश्वास को भंग कर देना, उसके विश्वास को तोड़ देना। आई एम सो सॉरी टू डिसल्यूजन यू, मतलब तुम्हारे भरोसे को या फिर तुम्हारे विश्वास को तोड़ने के लिए मुझे खेद है या फिर मुझे माफ़ करें। गेट अवे विद समथिंग, मतलब कुछ करना बिना किसी नोटिस किए हुए, मतलब आपने कुछ किया है लेकिन उस चीज़ को जो किया है आपने किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, या फिर बिना किसी को सजा दिए हुए कुछ करना, ऐसे सेंस में भी बोल सकते हैं। ही ऑलवेज गेट्स अवे विद चीटिंग इन मैथ्स टेस्ट, मतलब मैथ्स के टेस्ट में वो हमेशा मतलब बिना किसी के नोटिस किए हुए चीटिंग करता है। एक्सटॉर्ट एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि ज़बरदस्ती किसी को धमकी देकर पैसे लेना उससे या फिर उससे कोई चीज़ लेना, ज़बरदस्ती धमका कर या फिर धमकी देकर उसे। ही हैज़ बीन अरेस्टेड फॉर एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम एन ओल्ड लेडी, मतलब एक बूढ़ी औरत से ज़बरदस्ती धमकी देकर पैसे लेने की वजह से उसको अरेस्ट किया गया है। अकॉर्ड ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर तालमेल, उसकी सहमति या फिर आपसी मेल। आई विल मैरी ऑफ माई ओन अकॉर्ड, मतलब अपनी आपसी मेल की वजह से या फिर अपने तालमेल से मैं शादी करूँगा। गो अहेड एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि कुछ शुरू करना या फिर कहीं पर आगे बढ़ना। प्लीज़ गो अहेड एंड टेल मी योर परसेप्शन ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर एक वर्ड है परसेप्शन। इसको एक नाउन के रूप में यूज़ कर सकते हैं आप। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी पर्सन को लेकर आपकी राय या फिर आपका दृष्टिकोण। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब ये होगा कि कृपया आगे बढ़िए और मुझे बताइए कि इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है या फिर इस वीडियो को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है। विफ एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की खुशबू का झोंका या फिर किसी चीज़ की सुगंध का झोंका। आई एम गेटिंग अ विफ ऑफ योर न्यू परफ्यूम, मतलब आपके नए परफ्यूम की सुगंध का झोंका मुझे आ रहा है या फिर आपके जो नया परफ्यूम है उसकी सुगंध का झोंका मुझे आ रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ, इसका मतलब होता है जब किसी एक बात पर जोर दिया जाता है, मतलब उसके उद्देश्य से या फिर उसके इरादे से, ऐसे सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग फ्लुएंसी, मतलब फ्लुएंसी को पाने के लिए या फिर फ्लुएंसी को पाने के उद्देश्य से तुम्हें अंग्रेजी में बोलने की ज़रूरत है। हैंड इन
एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जमा करना या फिर किसी चीज़ को कहीं पर सबमिट करना या फिर उसको प्रस्तुत करना किसी के सामने। आई हैव टू हैंड इन माई एसे बाय फ्राइडे, मतलब शुक्रवार तक मुझे अपने एसे को जमा करना है या फिर सबमिट करना है। अगला वर्ड है हमारा एस्टिमेट, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना या फिर किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। माय फ्रेंड करेक्टली एस्टिमेटेड माय एज, मतलब जो मेरा दोस्त है उसने बिल्कुल ठीक या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट मेरी एज का अनुमान लगाया या फिर मेरी एज का अंदाज़ा लगाया। बी स्किन ऑफ माय नोज़, इसको आप उस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जब किसी पर्सन को किसी चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उस सेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। यू कैन इग्नोर माई वर्ड्स एंड डू इट योर वे इफ़ यू वॉन्ट, इट्स नो स्किन ऑफ माय नोज़, मतलब तुम मेरे शब्दों को इग्नोर कर सकते हो या फिर मेरे शब्दों को नज़रअंदाज कर सकते हो और जैसा तुम चाहते हो उसी तरीके से तुम कर सकते हो, इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम अपने तरीके से कुछ करोगे भी तो इससे मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता या फिर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता ये मुझ पर। जॉवियल, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो खुश मिजाज है या फिर हंसमुख है। माय फ्रेंड इज़ अ जॉवियल, मतलब मेरा जो दोस्त है वो खुश मिजाज इंसान है या फिर जो मेरा दोस्त है वो एक हंसमुख इंसान है, मतलब हमेशा हंसता ही रहता है, दूसरों को हंसाता रहता है। पुट लाइफ ऑन द लाइन, यहाँ पर एक idiom होती है, इसका मतलब होता है कि अपनी जान खतरे में डालना या फिर किसी चीज़ के लिए रिस्क लेना। ही सेव्ड मी पुटिंग हिज लाइफ ऑन द लाइन, मतलब उसने मुझे बचाया अपनी जान को खतरे में डालकर या फिर अपने जान की बाजी लगाकर उसने मुझे बचाया। स्नूप एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की या फिर किसी पर्सन की ताक झांक करना या फिर उसकी जासूसी करना। आई कॉट हिम स्नूपिंग ऑन यू अराउंड योर रूम, मतलब तुम्हारे कमरे के चारों तरफ या फिर तुम्हारे कमरे के आसपास उसको मैंने तुम्हारी जासूसी करते हुए पकड़ा या फिर तुम्हारी ताक झांक करते हुए पकड़ा। अगला वर्ड है डंप, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी के साथ अपने रिश्ते को ख़त्म कर देना या फिर लापरवाही से कुछ फेंक देना। डोंट डंप योर मोबाइल लाइक दिस, मतलब अपने मोबाइल को ऐसे लापरवाही के साथ मत फेंको। नेक्स्ट एक वर्ड है हॉकर, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि पैसे कमाने के लिए जो सामान इधर उधर जाकर बेचता है, तो उस इंसान को आप हॉकर बोल सकते हो, मतलब सड़क पर इधर उधर जाकर जो बेचता है ना सामान, उस पर्सन को आप हॉकर बोल सकते हो। ही वर्कड एज अ स्ट्रीट हॉकर सेलिंग टी, मतलब इधर उधर सड़क पर जाकर चाय बेचकर उसने एक ऐसा काम भी किया। अगला एक वर्ड है हमारा रिवियर, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी पर्सन के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसा का भाव रखना या फिर बहुत ज़्यादा आदर का भाव रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल आई ऑलवेज रिवियर हर फॉर हर जेनरस बिहेवियर, मतलब उसके दयालु व्यवहार के लिए मैं हमेशा उसके लिए प्रशंसा का या फिर आदर का भाव रखता हूँ। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो, आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर आप अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कॉमेंट करके बताइए। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आप कॉमेंट्स में